गाइज वेलकम टू ओडिशा नर्सिंग। आज हम एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि एम्स की तरफ से निकला गया है, जो कि भोपाल का ये वैकेंसी है। इस वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफिकेशन मंगा है, इसके लिए सैलरी पैकेज क्या रहेगा, इसका जॉब लोकेशन क्या रहेगा, इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, ठीक है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सब कुछ जानने के लिए, सब कुछ समझने के लिए वीडियो का अंत तक देखते रहिए। इस तरह से ऑल इंडिया नर्सिंग का वैकेंसी के लिए वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इस वीडियो रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना, मैं ज़रूर अप्लाई करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स भोपाल की तरफ से ये जो वैकेंसी निकला गया है, इसके नीचे वेबसाइट दिया गया है www.emsbhopal.edu.in। इस यहाँ पे जाके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कि ये नया वैकेंसी निकला गया है भोपाल की तरफ से, ठीक है। जो स्टार्ट डेट ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन इज 25 फरवरी 2021, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, आज 3 तारीख है, ठीक है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल साइंटिस्ट सी नॉन मेडिकल एंड स्टाफ नर्स पोस्ट। इधर क्लियरली बोल दिया गया है कि स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। फॉर द ICMR PG4 फाउंडेड प्रोजेक्ट एक्सपेंशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल स्टुअरशिप प्रोग्राम AMSP जो एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम IPC ऑफ ICMR इन सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स एट जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट एम्स भोपाल। डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बिलो, जो कि क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्योंकि आपको पता होगा एम्स की तरफ से जो भी वैकेंसी निकाला जाता है उसके लिए एक्सपीरियंस मांगता है और BSc नर्सिंग मोस्टली मांगता है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है, सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं नंबर वन पोस्ट जो है साइंटिस्ट से मेडिकल के लिए, और इसका जो पे स्केल रहेगा 51,000 प्लस 4,450, जो कि टोटल आ जाएगा 55,440 रुपीस। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए जो जो मांगा गया है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स के बारे में, ये जो सीरियल नंबर 2 में है स्टाफ नर्स, इसका जो पे स्केल रहेगा वो 31,500 कंसोलिडेटेड फॉर मंथ, पर मंथ इतना ही सैलरी रहेगा, ये बहुत अच्छा सैलरी होता है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 दिया गया है, जो कि बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी मांगा गया है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 10+2 साइंस स्ट्रीम, अगर आप नर्सिंग किए हैं वो कंपलसरी साइंस +2 साइंस होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे डिप्लोमा इन नर्सिंग और मिडवाइफरी, GNM और इक्विवेलेंट एंड रजिस्टर्ड नर्स और ANM विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग और BSc नर्सिंग डिग्री, सब यहाँ पे जो अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी निकला गया है सबके लिए वैकेंसी, GNM ANM BSc, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा वैकेंसी है, बॉयज़ और गर्ल्स बहुत ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मंगा है 30 ईयर्स का, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा वैकेंसी है, यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा गया है कि एप्लीकेशन मोस्ट बी फील्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अटैच अलोंग द एडवर्टाइजमेंट। ये जो एडवर्टाइजमेंट के साथ ही आपका जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से आपको फिलअप करके भेजना है। ओनली स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन डाउनलोड फ्रॉम एम्स भोपाल वेबसाइट एंड ड्यूली फील्ड विल बी एक्सेप्टेड। आपका एक जो एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट में मिल जाएगा आपको, उसको फिलअप करके सब कुछ डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपको एक ईमेल पे भेजना है, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है कि जो यहाँ पे जो ईमेल है देख सकते हैं, ये वाला ईमेल में आपको सेंड कर देना है। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस विदाउट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट और रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर डेट का लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन जाता है तो उसको रिसीव नहीं किया जाएगा। फील्ड एप्लीकेशन आज स्कैन कॉपी शुड बी सेंड टू द ईमेल टू ICMR AMS भोपाल
amsp2018 एट द gmail.com। तो फोर्थ पॉइंट है, द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज जो कि 12 मार्च 5 बजे तक है। आपके पास और भी 9 दिन हैं आप इसको अप्लाई करने के लिए, तो 1 दिन लगता है इसको अप्लाई करने के लिए, आप जस्ट ईमेल करना है, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट है, कैंडिडेट्स काइंडली एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द गिविन पोस्ट। और काइंडली आप चेक करें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है आपके पास वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है होगा, देन आपको इसको अप्लाई करना है, ठीक है। सिर्फ आपका प्लस टू साइंस होना चाहिए, ये जो कि मैक्सिमम लोग का होता ही होता है, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट का, वी विल कॉल ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू। द लिस्ट ऑफ द फाइनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी फ्लोटेड ऑन द एम्स भोपाल वेबसाइट बाय 13 मार्च। यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया गया है कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका नाम 13 मार्च को वेबसाइट में आ जाएगा। आपका लास्ट डेट होगा 12 मार्च, 13 मार्च को आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आ जाएगा। जितना भी लोगों को वो सिलेक्ट किए होंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही डायरेक्ट वहीं पर रिजल्ट दिया जाएगा आपका पोस्ट के लिए, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट दिया गया, नो टी ए डी ए विल बी गिविन फॉर द सेम। जो कि टी ए डी ए होता है नॉर्मली एम्स के जो भी जॉब करते हैं उनके लिए होता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिया जाएगा। हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द 1 फोटोग्राफ इज मोस्ट एंटर द एग्जामिनेशन। आप जो भी हार्ड कॉपी को स्कैन करके ईमेल किए होंगे उसको ओरिजिनल कॉपी विथ फोटोग्राफ सेल्फ साइंड उसको साथ लेके जाना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो कि क्लास ऑफ 10 सर्टिफिकेट में हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है। एलिजिबल क्वालिफिकेशन मार्कशीट डिग्रीज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैज़ टू बी सबमिटेड बाय शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट व्हाइल अपीयरिंग द एग्जामिनेशन। जब भी आपको एग्जामिनेशन दे रहे होंगे उसके साथ आपको सारे कुछ डॉक्यूमेंट को आपको लेके जाना है, ठीक है। वहीं पे आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है। एज रिलेक्शन इज एडमिसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ SC ST OBC कैंडिडेट्स। सिर्फ एज रिलैक्सेशन, वहाँ पे कैटेगरीज वाइज वैकेंसी नहीं है, सिर्फ एज रिलैक्सेशन जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम एज कंसेशन टू एक्सटेंड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन अदर रिसर्च प्रोजेक्ट विल ऑल्सो बी एडमिसेबल फॉर एक्सपीरियंस एंड स्किल पर्सन। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है देन को आपको प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है। तो जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है एम्स का वैकेंसी है, इंडिया का सबसे अच्छा स्टाफ नर्स का वैकेंसी एम्स का होता है, तो एक पोस्ट है उसको टेंशन मत लीजिए, वो ही एम्स के लिए डायरेक्ट आपको शॉर्टलिस्ट बुला के देन आपको एग्जाम दे के डायरेक्ट पोस्टिंग मिलेगा। यहाँ पे ये गोल्डन चांस होता है, आपको यहाँ पे ये वाला चांस को मिस नहीं करना है दोस्तों। तो काइंडली ये वाला इस पोस्ट को सीरियसली लीजिए, एक पोस्ट हुआ तो कुछ भी टेंशन नहीं, आपको ट्राई करना है, सिर्फ एक ईमेल भेजना है। ईमेल से क्या जाता है, आपको एक सॉफ्ट कॉपी निकाल के स्कैन करके भेज देना है, इतना तो कर सकते हैं। ट्राई करने से क्या जाता है, आप कर लीजिए, शॉर्टलिस्ट में नाम आ जाएगा तो एग्जाम देने के लिए चले जाना, हाँ तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो अच्छी बात, नहीं तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है। 10 नंबर पॉइंट है, एनी कैंडिडेट फाउंड इनएलिजिबल एट द एनी स्टेज वुड नॉट बी अलाउड टू प्रोसीड फर्दर फॉर द रिटन टेस्ट। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी इनएलिजिबल क्राइटेरिया देखा गया तो आपको रिटन टेस्ट में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आपका डॉक्यूमेंट सही हो तो अप्लाई कीजिए, ठीक है। नो इंक्वायरीज शैल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड आफ्टर ड्यू डेट। ड्यू डेट जो 12 मार्च रखा गया है उसके बाद कुछ भी एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया गया है। ये जो वैकेंसी है इधर वो बोल दिया है कि क्लियर कट ये जो वैकेंसी है ये टेम्पोरेरी रहने वाला है, टेंचर ऑफ द पोस्ट इज 1 ईयर, सिर्फ 1 ईयर के लिए ये कंट्रेक्चुअल बेसिस है। इफ द प्रोजेक्ट इज एक्सटेंडेड अकॉर्डिंग ऑफ फंडिंग एजेंसी द टेंचर ऑल्सो एक्सटेंडेड एज पर द फंड अवेलेबिलिटी। यहाँ पे 12 नंबर पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी जिनका भी होगा कि ये परमानेंट या टेम्पोरेरी है, एक क्लियर कट टेम्पोरेरी पोस्ट है लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो उनका फंड अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया गया है वो। अगर इस पोस्ट के लिए आपका कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और
प्लीज़ 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 इसको इग्नोर मत कीजिए, ये बहुत अच्छा वैकेंसी है। एक पोस्ट हुआ तो कुछ भी टेंशन नहीं, आप ट्राई कीजिए। जस्ट ईमेल तो करना है, ईमेल करके अप्लाई कर दीजिए, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में नाम आ जाएगा, तो एग्ज़ाम दे के चले जाना। एक दिन का तो बात है, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप ऑल द बेस्ट एंड कीप अप्लाई। ठीक है।